एचपी का लेजर सेट प्रिंटर है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, और आप अपने मोबाइल से प्रिंट देना चाहते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल से प्रिंटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने मोबाइल से प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से आप लेजर सेट प्रिंटर है एचपी का अपने मोबाइल से प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिए। जैसा कि प्रिंट निकालने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल के साथ आपके पास ये OTG होनी चाहिए। सिंपली हमारे पास ये OTG जो भी आपके मोबाइल में लगती हो उस तरह की आपके पास OTG होनी चाहिए, जो कि आपके मोबाइल में लग जाए और आपके एक प्रिंटर से अटैच हो जाए। और आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, जैसे कि आप प्रिंटर देख सकते हैं हमारे पास HP का जो लेजर जेट प्रिंटर है, ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, इसे हम प्रिंट करके आपको बताएंगे। तो सिंपली सबसे पहले आपको प्रिंटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर आना है, और मोबाइल पर आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। सिंपली हम यहाँ पर हमारे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको सर्च में टाइप करना है नोको प्रिंट। जैसे ही आप लिखेंगे नोको प्रिंट लिख सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे नोको प्रिंट तो सिंपली आपको यहाँ पे नोको प्रिंट का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, जो सेकेंड नंबर पर आप देख पा रहे हैं, आपको ये वाला सेकेंड नंबर पे जो देख पा रहे हैं नोको प्रिंट मोबाइल प्रिंटिंग। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले से यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ओपन का दिखाई दे रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन कर रखा है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक कर देते हैं। ओपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एप्लीकेशन दिखाई देगा। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे हमारा जो एप्लीकेशन है हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है, ये नोको प्रिंट का, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली आपको पहले आपका जो प्रिंटर का जो केबल है, इससे आपको अपने OTG को कनेक्ट करना है और OTG को आपको अपने मोबाइल में लगाना है। चलिए यहाँ पे हम OTG को अपने मोबाइल में, यानी कि पहले OTG को लगा लेते हैं, फिर मोबाइल में लगा के आपको बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने OTG को लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिन के अंदर हमने OTG को यहाँ पे लगा लिया है प्रिंटर के। अब यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं इसको OTG को, जैसे हम यहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमें ये एप्लीकेशन जो नोको प्रिंटर जो एप्लीकेशन है इस पर ओपन करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग होना शुरू कर देगा, जैसे कि आप प्रोसेस हो रहा है देख सकते हैं आप, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे हमारा अटैच भी होना चाहिए, आपका अटैच जैसे होगा यहाँ पे पूरी तरीके से आपको प्रोसेस होने देना। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपका प्रिंटर सक्सेसफुली अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम आपको कोई प्रिंट निकाल के बताने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम हमारी मोबाइल के अंदर जो गैलरी है, यानी कि हम गैलरी के अंदर जाते हैं, गैलरी से हम कोई भी यहाँ पे एक पोस्ट लेते हैं, यानी कि आप कोई भी एक फ़ोटो चूज़ करते हैं, उसको प्रिंट देख के बताएंगे। जैसा कि यहाँ पे गैलरी में हमने एक फ़ोटो ओपन कर लिया, इस फोटो को हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल के आपको बताने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे फोटो जैसे कि हमने निकाल लिया है, उसके नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको नोको प्रिंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑटोमेटिक आपका जो नोको प्रिंटर है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। नोको प्रिंटर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नोको प्रिंटर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपका जो फोटो है वो यहाँ पे आपको शो होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन दिया हुआ है कोने में, सिंपली आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं, यानी कि आपका यहाँ से पेज सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आप अपना पूरा यहाँ पे A4 साइज, यानी कि जो प्रिंटिंग का जो साइज़ है A4 साइज में या नॉर्मल में आप निकालना चाहते हैं, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके। सिंपली अगर आप सेटिंग नहीं करना चाहते, प्रिंट देना चाहते हैं, तो प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपका जो प्रिंट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे सेव ए PDF का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखाई देगा, और थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे ब्लूटूथ के बाद USB का, सिंपली आपको USB के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करना है और यू करेंगे
क्लिक करने के बाद जैसा कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं HP लेजर ZMM 1000 पार। सिंपली यहाँ पे जो प्रिंटर है आपका, जो इंस्टॉलेशन है वो प्रिंटर यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जो प्रिंट है वो यहाँ पे निकल जाएगी। सिंपली यहाँ पे लोडिंग होगा आपका, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है आपका जो प्रिंटिंग, और आपको कुछ देर यहाँ पे वेट करना है। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी प्रोसेसिंग सिमुलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो पेज है वो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हमारा जो पेज है वो देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी प्रिंट हो चुकी है, और इस पेज को आप देख सकते हैं हमने जो प्रिंट निकाली है वो यहाँ पे निकल चुकी है। तो आप इस तरीके से मोबाइल से प्रिंट दे सकते हैं, और हमारी प्रिंट यहाँ पे होने के बाद आप देख सकते हैं प्रिंटर यहाँ पे जब प्रिंट होगी तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंट हैज़ बीन सेंड टू द प्रिंटर। वो यहाँ पे प्रिंट जैसा कि मोबाइल प्रिंट से सेंड कर देगा और प्रिंटिंग निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से प्रिंट मोबाइल से अटैच करके प्रिंटर को, HP प्रिंटर को अटैच करके प्रिंट निकाल सकते हैं।